श्री गुरु सिंह सभा रामगढ़ के तत्वाधान में आयोजित श्री गुरु नानक देव महाराज की 592 प्रकाश उत्सव हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई। आपको बता दें कि पूरे 13 दिनों तक रामगढ़ की फिजाओं में आस्था, भक्ति व गुरबानी की स्वर लहरियां गुंजमान रही। शब्द गायन के माध्यम के साथ संगत ने अपनी भावनाएं समर्पित की, जहाँ आज सुबह से ही गुरु घर में विशेष दीवान सजाया गया, जिसमें अमृतसर से आए भाई वीरदत्त सिंह जी ने अपनी मधुर गायन शैली से संगत को मंत्रमुग्ध कर दिया। साथ ही गुरु महाराज के जीवनी के बारे में बताया। इसके उपरांत सरबजीत सिंह के जत्थे ने बड़े ही सुरीले स्वर के माध्यम से संगत को निहाल किया। साथ ही हेड ग्रंथी बाबा गुरजीत सिंह जी ने अपने कथा वचन से गुरु जी के जीवन के अनेक बड़े ही मार्मिक अंदाज में चित्रण किया, जहां आज पिछले 17 तारीख से चल रहे अखंड पाठ का भी समापन किया गया। नानक देव जी महाराज का 552 प्रकाश उत्सव रामगढ़ की समूह शासन बहुत ही उत्साह मना रही है, और यह 7 नवंबर से प्रभातफेरी आरंभ हुई थी जो 17 नवंबर तक चली। 18 नवंबर को शोभा यात्रा निकाली गई नगर कीर्तन के रूप में। वे संगत ने, रामगढ़ की संगत ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और आज 19 तारीख को गुरुद्वारा साहब में दरबार लगाया गया, और रात का भी एक विशेष दीवान लगेगा। और साथ ही साथ कृषि कानून जो वापस हुआ है, उस पर भी हम समूचा संगत पूरे विश्व के किसानों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। न्यूज विंग के लिए रामगढ़ से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। बाद के बाद अब गिरिडीह के बरगंडा में खुल गया है आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ डिजिटल मेमोग्राफी, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, डीआर, यूरोफ्लोमेट्री, पैथोलॉजी, ईसीजी, टीएमटी, ईईजी, पीएफटी, एनसीबी आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ योग्य एवं अनुभवी टेक्नीशियंस के द्वारा सभी प्रकार की जांच की जाती है। आपातकालीन सेवा सिटी स्कैन 64/7 की सुविधा रात में भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के बगल में होटल गैली के पास, कोर्ट रोड, बरगंडा, गिरिडीह।